moment of inertia of a ring about an axis passing through center and perpendicular to the plane of the ring. तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर एक रिंग लेते हैं, ये रिंग है, और एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है जब एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, एग्जैक्टली इसके सेंटर से, सेंटर से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है जिसके अंदर आपको आई की वैल्यू बतानी है, ठीक। अब मैंने आपको एक्सिस दिया कि ये एक्सिस है, एक्सिस की इंपॉर्टेंस समझो क्या है। एक्सिस की इंपॉर्टेंस है कि मान लो एक मिनट के लिए, इजी करने के लिए इमेजिन करो कि इस रिंग के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M1, M2, M3 अप टू Mn, पार्टिकल ही पार्टिकल हैं जो इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, आर है, हर का आर 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 है। तो अगर मैं आई की वैल्यू पूछूं इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी, तो आप लॉजिकली क्या बोलेंगे, जी पहला पार्टिकल ले लो M1 R square, M2 R square, M3 R square, M4 R square, करते जाओ पूरे रिंग के लिए आंसर आ जाएगा। पर मैंने पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल है कितने, वो पता नहीं कितने, इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो ठीक ही है। छोटे छोटे पार्टिकल्स का अगर मैं आई निकाल दूँ और ऐड कर दूँ तो आई की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। लेकिन अगर मैं कल को रिंग का एक्सिस चेंज कर दूँ, मतलब अगर ये रिंग है, मैंने स्ट्रिक्टली जैसे फ्लैग नहीं होता, फ्लैग, ये फ्लैग है ऐसे, ये मास है, तो अगर फ्लैग को ऐसे घुमाएंगे तो हर मास का डिस्टेंस इस एक्सिस से क्या हो जाएगा, चेंज, फ्लैग का ये एक्सिस होगा। मैंने एक रिंग को यहाँ से चिपका दिया और रिंग को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, इस एक्सिस की पूरी रिंग घूम रही है। अब हर पार्टिकल का डिस्टेंस इस एक्सिस से क्या हो गया, चेंज, पहले कुछ और था, रिंग वही है लेकिन एक्सिस चेंज होने से डिस्टेंसेस चेंज हो गए, तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। इसलिए जब मैं आपको आई निकालने को कहूंगा तो आई की वैल्यू निकालने के लिए एक्सिस मैं आपको दूंगा, क्योंकि कल को अगर आपने अपनी मर्जी से कोई एक्सिस ले लिया तो आई चेंज हो जाएगा। तो आई की वैल्यू एक्सिस पे डिपेंड करती है, तो आई की वैल्यू मास पे तो डिपेंड करती है, आर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन एक्सिस पे भी डिपेंड करती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ था, जब आई की डेफिनेशन थी कि आई किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। आई किस पे डिपेंड करता है, रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और आई किस पे डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है और आई एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। रादर एक्सिस को इसने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, एक ही बात है, एक्सिस चेंज करें तो आर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, एक ही बात है, राइट। तो ये पॉइंट सबको समझ में आता है कि एक्सिस इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो मैंने एक्सिस इसमें फिक्स कर दिया, अब मैं एक्सिस चेंज नहीं करूँगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर से एक बार क्वेश्चन वही है, ये रिंग है और ये रिंग का एक्सिस है, ये रहा, इसके सेंटर से पास हो, रिंग का मास m है और रिंग का रेडियस कैपिटल R है। रूल वही है, हम इस रिंग का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेंगे जो पॉइंट की तरह एक्ट करता है, और ऑब्वियसली M1 M2 क्यों लेंगे, हम क्या लेंगे, हम DM लेंगे। तो मान लो रिंग का स्मॉल एलिमेंट कितना है, DM, इसे छोटा मास नहीं हो सकता। और अगर मैं ये पूछूं इस DM का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, R है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, DM इंटू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, मास इंटू पॉइंट मास का तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर है, हमने लगा दिया। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई नहीं, DI, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल मास का स्मॉल आएगा, DI, तो DI की वैल्यू आ गई, ठीक, पॉइंट मास का आ गया। ऐसी जितने भी मासेज हैं सबका DI मिला दूं, मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर दूं, पूरे रिंग का आ जाएगा। उसके लिए मेरे को DM निकालना पड़ेगा। DM निकालने के लिए सबसे पहले ये बताओ इस DM की लेंथ क्या है, मान लो DM की लेंथ क्या है, DX। अब मास किसी भी बॉडी पे तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रिंग में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इट्स लेंथ, डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इट्स एरिया, सॉलिड स्फीयर में ओवर इट्स वॉल्यूम, इसमें तो लेंथ वाइज है। तो एक काम करें, अगर मैं पूछूं कि DM की वैल्यू कितनी है, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr है, लेंथ 2πr है, तो मास कितना है रिंग का, m है,
वन है तो एम डिवाइडेड बाई टू पाई आर है, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ लेना, जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर लेंथ डी एक्स है तो एम डिवाइडेड बाई टू पाई आर इन टू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा डी एम, क्लियर है, डी एम आ गया। इस डी एम को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो डी आई विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई टू पाई आर इन टू डी एक्स इन टू आर का स्क्वायर, तो डी एम को पुट कर दिया, दोनों तरफ की इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये डी आई है, एम कॉन्स्टेंट है, टू पाई आर में से एक आर कट ही गया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एम अपॉन टू पाई इन टू आर इन टू कितना डी एक्स है, ये टर्म बच गए, तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट बाहर आ गए। अब लिमिट पुट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिमिट क्या है, जीरो से आए, क्योंकि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या चाहिए, आए डी एक्स। अब सोचें अगर मैं लेंथ डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स मिलाऊंगा तो पूरी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को कवर कर दूंगा, तो लेंथ क्या टोटल आएगी, जीरो से लेके टू पाई आर, तो ये वन है, ये भी आगे वन है, तो वन डी आई की इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे क्या आ गई, आए, और राइट साइड पे एम डिवाइडेड बाई टू पाई इन टू आर, और वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, टू पाई आर, तो टू पाई से टू पाई कैंसल, आई की वैल्यू क्या आ गई, एम आर स्क्वायर, तो वेयर एम इज मास ऑफ द रिंग एंड आर की रेडियस ऑफ द रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है परपेंडिकुलर, फॉर्मूला के याद करेंगे एम आर स्क्वायर, आपको इसके डेरिवेशन पेपर में आती नहीं है, वैसे आती नहीं, आपको वैसे बता रहा हूँ मैं, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, मैं न्यूमेरिकल में सीधा पूछूंगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने, अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है आपने सीधा बोलना है एम आर स्क्वायर, बस फॉर्मूला की लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट टाइम लिखवाऊंगा, अभी कैसे आया समझ में आ रहा है, लॉजिक बताना जरूरी है कि कैसे आया, अगर मैं सीधा बोल दूं क्लास में आके एम आर स्क्वायर होता है जी, आपको कैसे हुआ समझ भी नहीं आया, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हुआ कैसे, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। अब ये तो हो गया रिंग का, अब कोई कहे सर एक्सिस चेंज कर दिया तो देखो फिर तो नई इंटीग्रेशन है, फिर वो क्या करना है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, पर फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ये तो पॉइंट समझ में आ गया, अब हम एक एक्सिस को फिक्स करते हैं, एक्सिस को चेंज नहीं करते हम, इसके अंदर अब फिगर चेंज करते हैं, और फिगर क्या लेते हैं, डिस्क लेते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है राइट, तो डिस्क लेते हैं, तो सर्कुलर डिस्क है और एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा है, ये डेरिवेशन पेपर में आती नहीं है, तो आप प्लीज बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि अब तक क्या कर रखे, आपसे कोई नहीं लिखवाएगा, आपको एंड में फॉर्मूला याद करना है छोटा सा बस, और फॉर्मूला बड़ा आसान है, हाफ एम आर स्क्वायर, बस इतना ही है, लेकिन ये इसके अंदर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी ना किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर या किसी थ्योरी के अंदर कभी भी दो साल में कैसे भी यूज हो जाती हैं, तो आपको एक बार तो मुझे बतानी पड़ेगी, जब नेक्स्ट टाइम यूज होगी मेनली प्लस टू में यूज होती है, तो आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि हुआ क्या एक्चुअल में, ताकि आपकी सोच थोड़ी सी चेंज हो जाए। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है, अब डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एरिया वाइज होता है, डिस्क के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एरिया वाइज है, तो डिस्क किससे बनी हुई है, डिस्क किससे बनी हुई है, इमेजिन करें रिंग किससे बनी हुई है, छोटे छोटे डीएम 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 एलिमेंट से बनी हुई है, डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से, सोचें एक रिंग लें इसका रेडियस जीरो है पॉइंट आएगा, उसके आगे एक और रिंग डाल दें टाइट चिपका दें, अगली रिंग चिपका दें उसके साथ, अगली रिंग एक और चिपका दें, रिंग्स के अंदर रिंग्स के बाहर रिंग्स चिपकाना शुरू करें, आपके सामने डिस्क तैयार हो जाएगी। तो डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग्स से। अच्छा, एक सॉलिड सिलेंडर किससे बना हुआ है, ये सॉलिड सिलेंडर किससे बना हुआ है, डिस्क से, काट के देखो चाकू से काट काट के देखो, हर की प्लेट में क्या आएगी, डिस्क आ जाएगी, इमेजिन कर पा रहे हो। अच्छा चलो, सॉलिड स्फीयर किससे बना हुआ है, और छोटी फिगर, दो हेमिस्फीयर नहीं और छोटी, सबसे छोटा एलिमेंट, पॉइंट मास तो दुनिया का हर यूनिवर्स में है, पॉइंट मास तो आंसर है ही, इमीडिएट किससे बना हुआ है, काट के देखो ना, एक सॉलिड स्फीयर केक ले आओ, काटो, चलो केक मारते हैं, चाकू से काटोगे डिस्क की डिस्क निकलेगी, किसी को छोटी डिस्क किसी को बड़ी डिस्क मिलेगी, तो छोटी बड़ी डिस्क से बना हुआ है, पॉइंट है। और कई लोग ये मानते हैं शेल से बना हुआ है, एक शेल ने खाली, एक खाली शेल ने, शेल के बाहर एक शेल लपेट दें, उसको पैक कर दें, चिपका दें, अगला शेल और चिपका दें, अगला शेल, शेल मीन्स एक स्फीयर जो अंदर से खाली है, चिपका चिपका के एक बॉल बन जाएगी सॉलिड, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल डिस्क किससे बनी हुई है, रिंग से।
अब रिंग का मोमेंट इनर्शिया मुझे निकालना आता है, मैंने अभी अभी निकालना है, तो अगर मैं इन रिंग्स में से एक रिंग ले लूं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूं, फिर अगली का निकाल दूं, अगली का निकाल दूं, अगली का निकाल दूं, सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिला दूं, तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मेरे पास, और रिंग का मुझे निकालना आता है। तो मैंने क्या किया, एक डिस्क ली जिसका मास एम है और रेडियस कैपिटल आर है, इस डिस्क में से एक कोई भी एक इमेजिनरी रिंग ले ली, रिंग का रेडियस स्मॉल आर है और इसकी थिकनेस क्या है, डी आर है, और इस रिंग का मास कितना है, डी एम है, सिर्फ रिंग का। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे फॉर्मूला क्या देगा आपको, मास ऑफ रिंग इनटू रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर। अभी हमने ये पार्ट में किया है, रिंग का आई तो निकालना आता है, पर रिंग डिस्क के लिए छोटा एलिमेंट है, तो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट किया, डी आई, और ऐसी सभी रिंग के डी आई डी आई डी आई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो डी आई तो आ गया, मेन पार्ट है इसमें डी एम कैसे निकलेगा, मास ऑफ रिंग कैसे निकलेगी। मास ऑफ रिंग निकालने के लिए मास डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है, एरिया वाइज। तो अगर पूरी डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो मास एम है, वन है तो एम बाय पाई आर स्क्वायर है। तो अगर आप मुझे शेडेड रिंग का एरिया निकाल दें तो मैं शेडेड रिंग का मास निकाल दूंगा। अब ये रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे शेडेड रिंग का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। शेडेड रिंग का एरिया मैथ से निकलेगा, इसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है, तो आउटर रिंग का रेडियस कितना है, आर प्लस डी आर, और इनर रिंग का कितना है, आर। तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो अगर मैं इसे ओपन करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करके, तो दो टर्म्स कैंसिल है, डी आर बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर बहुत ही छोटा है, निगलेक्टेड है, आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा बस। आपने आज के बाद रिंग का एरिया, शेडेड रिंग का एरिया ऐसे बिल्कुल नहीं निकालना, सीधा शॉर्टकट लगाना है, सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। तो रिंग का रेड सर्कमफ्रेंस कितना है, टू पाई स्मॉल आर, और थिकनेस कितनी है, डी आर, सीधा एरिया आ गया। तो शुरू करते हैं, तो अगर डिस्क का एरिया इतना है तो मास इतना है, वन है तो इतना है, और अगर रिंग का एरिया इतना है तो मास इतना है। तो रिंग का मास आ गया, इस रिंग के मास को यहां पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई, और फिर इंटीग्रेट कर दिया, पहला रिंग जीरो रेडियस का, आखिरी रिंग कैपिटल आर रेडियस का, इंटीग्रेट करके करना नहीं है आपने, आंसर आएगा। आपने सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ये प्रूफ ऐसे बता दिया, चाहिए नहीं वैसे। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर, और रिंग का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बस। क्लियर है यहाँ तक, बाकी अगली बार करेंगे, बाकी फिगर्स का फॉर्मूला ही फॉर्मूला करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अगली बार। क्लियर है।